चैनल इट्स मी श्रुति मिश्रा और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और जस्ट बगल में लगा है बेल बटन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस आज मेरा रिव्यू होने वाला है एक सोप के बारे में एंड गाइस ये है हमारा पतंजलि का नीम कांति बॉडी क्लींजर। ये गाइस एक नीम सोप है, नीम जो कि वर्क करती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्शन, पिम्पल्स और दानों पर काम करती है। सो गाइस आज मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करूंगी एंड स्टार्ट करने से पहले पसंद आने पे उसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई फीडबैक प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पतंजलि से काफी अफोर्डेबल सोप पतंजलि नीम कांति बॉडी क्लींजर प्योरीफाइज, रिफ्रेशिंग एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्म। जैसे कोरोना की प्रॉब्लम है और वैसे भी गर्मी और हमेशा हमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक टाइप जरूर रखना चाहिए जो कि बॉडी के इन्फेक्शन को कम करे, जर्म्स को किल करे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस सोप का रिव्यू शेयर करती हूँ और ये सोप ज़्यादा वेल नोन नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा सोप है। अगर बात करें इसके प्राइस की गाइस तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का है, 75 ग्राम का सोप। इसका प्राइस 15 रुपीज है और शेल्फ लाइफ इसकी आपको मिल जाएगी इसकी 24 मंथ्स की, मतलब कि 2 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें वेरिएंट की तो गाइस इसमें बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं, मतलब कि मुल्तानी मिट्टी सोप, ऑरेंज सोप और क्रीम सोप, अलग अलग तरीके के। अगर आप कोई चाहते हैं कि किसी सोप का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करें पैकेजिंग की तो गाइस एक नॉर्मल तरीके की सोप पैकिंग में आता है, ग्रीन कलर की पैकिंग है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मेंशन की गई है। अंदर कुछ इस तरीके का सोप है जो कि स्मेल करता है, बिल्कुल बहुत हार्ड सी स्मेल है लेकिन बिल्कुल नीम की तरीके ये दिख रहा है सोप। अच्छा बड़ा बार है। अगर बात करें लेदर क्रिएट करने की तो गाइस ये अच्छे से लेदर क्रिएट करता है बॉडी में और बहुत अच्छे से बॉडी को क्लीन करता है। तो उसमें जिनको कम लेदर वाले सोप नहीं पसंद है उनके लिए परफेक्ट है लेकिन जिनको ज़्यादा लेदर वाले नहीं पसंद तो उनके लिए शायद प्रॉब्लम हो जाए। अगर बात करें इंग्रीडियंट्स की तो गाइस इसमें मिला है मंजिष्ठा, हल्दी, तुलसी, गिलोय, आंवला हल्दी, खृत कुमारी, नीम, शुद्ध सुहागा। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए हैं एंड इसमें SLS नहीं है, पैराबेन नहीं है, तो ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। एक दो केमिकल इसमें डाले गए हैं एंड गाइस अगर क्लेम की बात करें तो ये सिंपली क्लेम करता है कि ये आपकी बॉडी को प्योरीफाई करेगा और जर्म्स को किल करेगा, मतलब कि जो भी बॉडी इन्फेक्शन है जर्म्स की वजह से अगर आपको पिम्पल्स हो रहे हैं तो वो इसको कम करेगा। अगर बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की इस प्रोडक्ट के बारे में तो गाइस ये सोप मैंने यूज़ किया है तो मुझे ये फील हुआ कि काफ़ी अच्छे से बॉडी को क्लीन करता है, बहुत अच्छे से बॉडी क्लीन हो जाती है, स्मेल कोई एज सच नहीं रहती है बॉडी में बट बॉडी क्लीन हो जाती है और कोई भी ग्लोई और ब्राइटिंग इफेक्ट नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये सोप मुझे लगता है कि परफेक्ट रहेगा उनके लिए जो दिन भर बाहर रहते हैं, बहुत पसीना आता है या इस गर्मी में जिनको दाने वाने हो जाते हैं बॉडी में या पीठ पे पिंपल्स हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली इस सोप को ट्राई दे सकते हैं। ये कोई भी सोप यूज कर सकता है, जिसको एक अफोर्डेबल नीम सोप चाहिए तो वो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये था मेरा छोटा सा हॉनेस्ट रिव्यू पतंजलि नीम कांति बॉडी क्लींजर के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिस बगल में लगा है बेल बटन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।